ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ चुके हैं, इसमें वेरिंग मास फ्लोरेट होती है, कांस्टेंट मास फ्लोरेट कर दी जाए, इस प्रकार इनके स्टेडी अनस्टेडी यूनिफॉर्म ये चेंज होते रहते हैं। इनकी कंडीशन के हिसाब से ये फ्लो चेंज हो जाता है। उसके बाद देखा था कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये सारा हमने जान लिया था। इसका अपन ने डेंसिटी मटेरियल देख लिया था, मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, इस प्रकार यदि ये जीरो हो तो ये सारी हमने जान लिया था। यदि ये प्लस माइनस भी इस प्रकार भी जीरो हो जाए तो भी ये अपना इनकंप्रेसिबल जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है कंसिडर किया जाएगा। चलिए साथियों, अब इस वीडियो में जानने वाले हम लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो बाई डिजिटल क्लास। इस प्रकार आपका कोई अरेंजमेंट है, ये पाइप मान लीजिए, इसमें फ्लो हो रहा है साथियों। इस प्रकार जो पार्टिकल है फ्लूड के, ये पार्टिकल पार इधर चला जाता है, इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में जो लेयर बनाकर निकल जाते हैं वो फ्लो होता है लेमिनर साथियों। और यदि ये आवारागर्दी करते हुए जाएँ, घूमते हुए मौज मस्ती में, ये फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ए फ्लो इज सेड टू बी लेमिनर। यहाँ साथियों, जो लेमिना होता है उसका मतलब ही थिन लेयर्स से है, थिन लेयर्स। फ्लो इफ़ द फ्लूड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर्स विद वन लेयर स्लाइडिंग ओवर अनदर, ईजी फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंस, इनिशियल स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम सिगरेट और इंसेंस स्टिक्स। जैसा कि आप यहाँ लेमिनार फ्लो देख सकते हैं, ये टर्बुलेंट फ्लो है। इस फ्लो में साथियों, ये जो अपना पार्टिकल है फ्लूड का स्ट्रेट निकल जा रहा है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा साथियों। टर्बुलेंट फ्लो में इस प्रकार पार्टिकल घूमते रहते हैं इधर उधर, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इनके लिए एग्जांपल भी पिछले के लिए भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार जहां फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो देख लेते हैं। ए फ्लो इज सेड टू बी ए टर्बुलेंट फ्लो इफ द फ्लूड पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग पाथ। एग्जाम्पल फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, नदियों में आपने देखा होगा साथियों, पानी घूम फिर के ऊपर नीचे घूमता फिरता हुआ चलता रहता है, तो वो फ्लो अपना टर्बुलेंट फ्लो होगा। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम चिमनी, जो स्पीड के साथ कहीं से धुआं निकलता है साथियों, तो इस घूमता हुआ निकलता है, तो इस प्रकार का फ्लो भी आप टर्बुलेंट फ्लो में कंसिडर करेंगे। अब आप देख लीजिए रोटेशनल एंड इरोटेशनल, इस प्रकार ये अपने मॉलिक्यूल हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ का जो डबल पार्ट है, भारी हिस्सा ऊपर की तरफ है साथियों, ये नीचे की तरफ है, इस प्रकार सेम मूव करता हुआ जा रहा है, और इधर ये रोटेट करता हुआ जा रहा है साथियों। इस प्रकार घूम गया है, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, तो ये चक्कर काटता हुआ जा रहा है साथियों, इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो अपने फ्लो इस प्रकार डिस्क्राइब होंगे, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ए फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल फ्लो इफ़ द फ्लूड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग द मोशन। अब फिर आप डिस्क्राइब करेंगे इरोटेशनल फ्लो कौन से होते हैं। ए फ्लो विल बी इरोटेशनल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जो अपना इरोटेशनल फ्लो होंगे वो किस प्रकार, किस कंडीशन के अनुसार हो सकते हैं। यदि आपका फ्लूड आइडियल हो, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, कहीं से उसमें घर्षण नहीं होगा, इस प्रकार वो टच नहीं करेगा तो स्ट्रेट निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रियल फ्लूड फ्लो हैविंग नेगलिजिबल ये विस्कोसिटी ग्रेडियंट है अपना। यदि आपका कोई रियल फ्लूड है तो उसकी जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो नेगलिजिबल होगा या फिर बिल्कुल बहुत कम होगा, तो इस प्रकार का फ्लो आप इरोटेशनल फ्लो में कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल इस प्रकार घूमता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसके ना नीचे ना ऊपर विस्कोसिटी है, ना ही ये किसी से कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इसमें जो एक दूसरे से घर्षण कर पार्टिकल राउंड राउंड घूमते रहते हैं साथियों, यदि इनमें कहीं से इस प्रकार स्ट्रेस लग जाए, शेयर स्ट्रेस लग जाए, तो ये चक्कर खाने लग जाते हैं, तो इस प्रकार का फ्लो होगा रोटेशनल। और ये अपना ये रोटेशनल है, कौन सा रोटेशनल है, कन्फ्यूज आ गए होगा भाई, जो फ्लूड घूमेगा वही रोटेशनल तो होगा ये वाला, इस प्रकार ये अपना रोटेशनल फ्लूड हो जाएगा, जो फ्लूड है उसका फ्लो, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल पर। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये अपनी कोई प्लेट है या सरफेस है नीचे, इस पर फ्लूड फ्लो कर रहा है इस प्रकार, तो यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन होगी, तो नीचे जो बिल्कुल नीचे होगा वो फ्लूड पार्टिकल इससे चिपका रहेगा साथियों, उसके ऊपर इनमें शेयर स्ट्रेस आएगा, तो इस प्रकार उनकी जो मूवमेंट है वो एक दूसरे को प्रभावित करेगी। निचला इसके साथ चिपका रहेगा सरफेस के साथ, उससे उपला कुछ घर्षण से कुछ मूव कर सकता है, उससे अगला कुछ कर सकता है, तो इस प्रकार अपन को प्रोफाइल मिलेगी, वेलोसिटी प्रोफाइल इनकी। तो इस प्रकार ये अपने पार्टिकल थे, तो इस प्रकार मूवमेंट आता है इनमें,
इसे आप कह सकते हैं डेल एक्स कर्व, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन है उसके सापेक्ष में चेंज आ रहा है, तो इसको आप वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों इस कर्व से ऊपर आपको आउटर फ्लो रीजन है जो ये यहाँ से ऊपर का है, यहाँ पर आपको जो चेंज मिल रहा है साथियों वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जीरो मिल रहा है, क्योंकि इनकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाती है। नीचे चेंज आ रहा है वेलोसिटी, यहाँ कुछ ग्रेडियंट होगा इनका, ढाल होगी, यहाँ पर जीरो हो जाती है साथियों। तो यहाँ ऊपर जो फ्लो है अपना इरोटेशनल और नीचे रोटेशनल फ्लो मिल सकता है अपन को। ये यहाँ मूव करेगा घूमते घूमते ऊपर स्ट्रेट जाने लग जाएगा इस प्रकार का। अब साथियों आपको टॉर्क निकालना हो इस मॉलिक्यूल के सापेक्ष, इस पर स्टडी करें हम, इसको आप राउंड मान लीजिए क्योंकि अपन को मेजरमेंट लेना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू शेयर फोर्स इंटू रेडियस, यहाँ इसकी रेडियस है साथियों इस प्रकार। तो इस पर इधर टॉर्क लगेगा, तो ये इस रेडियस के इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन टॉर्क में। अब इतना ही सेम इस डायरेक्शन में अपोजिट आपको फोर्स मिलेगा, ये कि शेयर फोर्स होता है साथियों। तो टॉर्क इज इक्वल टू शेयर फोर्स इंटू आर, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है इस प्रकार आप देख सकते हैं उपले वाले की। टी इज इक्वल टू टाउ, अब इस शेयर फोर्स को आप शेयर स्ट्रेस में इस प्रकार लिख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, जिस एरिया पे वर्क कर रहा है उसको ए एस, जहाँ शेयर स्ट्रेस वर्क कर रहा है, और आर अपनी है ही सेम साथियों इस प्रकार। अब टी को हम, अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं जो हमने पिछली अपनी वीडियो में उन्होंने डिस्क्राइब किया था न्यूटोनियन फ्लूड के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इस प्रकार, बाकी सेम पार्ट रहेगा साथियों। तो इस प्रकार हमें ये टॉर्क मिल जाता है इस पार्टिकल का। टॉर्क आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट है आपके लिए, इंतज़ार कर रही है, बाहें खोलकर आप वहाँ जाइए और संपर्क कीजिए। अब यहाँ पर आइडियल फ्लूड हो साथियों तो म्यू जीरो के बराबर हो सकता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आप जीरो के बराबर कर सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, लेकिन अपना एरिया और ये रेडियस है इसको आप जीरो नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं इन पर अपना रोटेशन और रोटेशन फ्लूड का फ्लो है वो डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।